Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. आप देख रहे हैं वारुण क्लासेस. आज हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मनी एंड बार्टर सिस्टम. अब मनी होती क्या है? मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आपको कोई भी आइटम परचेज करना होता है तो उस आइटम के बदले आपको कुछ चीज देनी होती है और आज के टाइम पर वो है मनी. तो मनी इज डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट यू हैव टू पे टू द मार्केट for purchasing and buying any goods and services. ये थी मनी की डेफिनेशन. मनी ही मैंने समझा दिया कि आपको कोई भी आइटम परचेज करनी होती है तो उसके बदले आपको कुछ चीज़ देनी होती है और आज के टाइम पर वो चीज़ है मनी. अब पिछले टाइम पर क्या होता था जब मनी नहीं होती थी तो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम होता था. अब बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पर जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं. मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक बुक है और जो पर्सन बी है उसके पास पेन है. अब मुझे जो है पेन चाहिए और जो पर्सन बी है उसे बुक चाहिए तो हम अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर लेते थे जिससे मेरे पास पेन आ जाता था और जो पर्सन बी है उसके पास बुक चली जाती थी. तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. लेकिन इस सिस्टम में एक मेजर प्रॉब्लम होती थी, उसको हम एप्लीकेशन ऑफ बार्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं. वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती क्या है? मान लीजिए जो पर्सन बी है उसके पास पेन था और मेरे पास स्टिकी नोट्स थे तो जो पर्सन बी है उसको बुक चाहिए थी लेकिन मेरे पास स्टिकी नोट्स होने के कारण और मुझे पेन चाहिए था तो हम आपस में अपने कमोडिटीज को एक्सचेंज नहीं कर पाते थे. इस प्रॉब्लम को कहते थे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसमें हम अपनी कमोडिटीज को एक्सचेंज कर नहीं पाते थे और जो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती थी. अब मार्केट होती क्या है? मार्केट क्या है कि जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होती है उस प्लेस को हम मार्केट बोलते हैं. अब उसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स एट ए सिंगल प्लेस इज नोन एज मार्केट, इसको हम मार्केट बोलते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. आज के टाइम पर चेक्स, करेंसी, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स यूज होते हैं मनी के तौर पर. तो चलिए इनको समझते हैं. अब करेंसी क्या है? करेंसी जो है वो नोट्स एंड कॉइंस को बोलते हैं जो आज हम मार्केट में यूज करते हैं. नोट्स और करेंसी जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू होते हैं इनको हम करेंसी बोलते हैं. अब मान लीजिए इस मनी को हम फिएट मनी भी बोलते हैं. फिएट मनी क्या होता है? इसकी गवर्नमेंट द्वारा इशूड जो कॉस्ट है वो है 10 रुपए लेकिन इसकी लागत जो है वो करीब 1 से 2 रुपए है तो इसको हम फिएट मनी बोलते हैं. पिछले टाइम पर क्या होता था जब मनी का इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर मान लीजिए गोल्ड कॉइन है तो जिसकी इसकी जितनी एक्चुअल वैल्यू है उतनी ही इशूड वैल्यू होती थी. मान लीजिए ये इसकी लागत वैल्यू जो है वो है 10,000 रुपये अगर ये गोल्ड कॉइन है तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10,000 रुपये है और इशूड वैल्यू भी 10,000 रुपये हो जाती थी. लेकिन आज के टाइम पर फिएट मनी का यूज होता है कि अगर इसको गवर्नमेंट इशू कर देती है तो इसकी वैल्यू जितनी भी गवर्नमेंट इशू करती है वो उतनी हो जाएगी. मान लीजिए आज रात गवर्नमेंट इस 10 रुपये को हटा देती है, इनवैलिड कर देती है डिमोनेटाइज करके तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास ये नकली नोट आते हैं इसकी इसके बराबर हो जाएगी. तो ये क्योंकि ये जो नकली नोट है ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती और जो ये नोट है ये गवर्नमेंट द्वारा इशूड है तो इनकी वैल्यू सेम नहीं है. आज रात अगर इसको इनवैलिड कर दिया जाता है तो इस नकली नोट की वैल्यू और इस असली नोट की वैल्यू सेम हो जाएगी. इसको हम करेंसी बोलते हैं. अब है चेक. चेक क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर होता है. एग्जांपल से समझते हैं. ये पीस ऑफ पेपर है, इस पर अकाउंट होल्डर के अकाउंट की डिटेल्स, नेम एंड उसके सिग्नेचर होते हैं और कितने पैसे वो दे रहा है उसे हम चेक बोलते हैं. जिसे भी पेमेंट करनी होती है हम उसे चेक दे देते हैं और वो बैंक में जाके उसकी जगह कैश निकलवा सकता है, इसे हम चेक बोलते हैं. अब ऑनलाइन मेथड क्या है? ऑनलाइन मेथड का मतलब है हम घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट इधर से उधर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. जैसे कि पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, अमेजोन पे है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. अब ऑनलाइन पेमेंट आज के टाइम पर मेन फॉर्म ऑफ मनी है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बनी रहती है. मान लीजिए आपको कहीं 10 लाख रुपए किसी को देने हैं तो आप वहीं आप करेंसी के तौर पर उस 10 लाख की मनी को लेकर जाओगे तो वो कहीं ना कहीं लॉस होने का खतरा है. वहीं ऑनलाइन मेथड से आप घर बैठे उसको 10 लाख रुपए पहुँचा सकते. तो जो ऑनलाइन मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का.
तो बैंक अपनी लोन एक्टिविटीज कैसे करता है? बैंक क्या करता है कि जितना भी उसके पास डिपॉजिट आता है उसका 15% अपने पास रखता है, बाकी का 85% जो है वो लोन के तौर पर देता है। 15% का मतलब है कि मान लीजिए कोई पर्सन विड्रॉ करवाने भी आता है कैश, तो उस 15% में से वो उसको कैश दे सकते, बाकी के 85% को बैंक अपने लोन पर देता है। अब बैंक एक एक्टिविटी करता है, जैसे कि जो भी डिपॉजिटर होता है उसको स्मॉल अमाउंट का इंटरेस्ट देता है और जो लोन लेता है उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मैं पैसे जमा करवाता हूँ तो मुझे जो है 5% का इंटरेस्ट देता है, और वही दूसरा बंदा जो है वो लोन लेने जाता है तो उसे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वहीं जैसे इसमें 5% का इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया, तो इससे जो बैंक है वो अपनी इनकम जनरेट करता है। अब क्रेडिट लेने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे कि फर्स्ट है हर एक बैंक का कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेकेंड है कोलेट्रल देना पड़ता है क्रेडिट लेने के लिए। अब कोलेट्रल होता है क्या है, मान लीजिए आप 10,000 रुपये लेते हो तो उसके बदले में आपको कुछ भी चीज़ बैंक को देनी पड़ती है सेफ्टी के तौर पर, जिससे मान लीजिए आप लोन चुका नहीं पाते तो उस सेफ्टी को, उस कोलेट्रल को यूज़ करके गवर्नमेंट अपना लॉस पूरा कर सके, उसे हम कोलेट्रल बोल सकते हैं। कोलेट्रल एज लैंड भी हो सकती है, कैटल भी हो सकती है, कोई व्हीकल भी हो सकता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। अब बैंक क्या है, आप पर डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि आप लीगल बंदे हो या नहीं, आप जो लोन है वो चुका पाओगे नहीं, ऐसी प्रोसेसिस करता है। इसके बाद बैंक आपको क्रेडिट, अब बैंक से दो क्रेडिट सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बैंक से लोन लेता है 40,000 रुपये का और वो अपनी इंडस्ट्री में लगाता है उसको और उससे अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर लेता है, उसके बाद बैंक को वो अपना लोन वापस भी कर देता है। तो इससे क्या है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपना प्रॉफिट भी कमा लेता है उस पैसे से और लोन को वापस भी दे देता है। तो इससे क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। और वही एक फार्मर है, वो बैंक से 30,000 रुपये लेता है और वो अपनी क्रॉप्स में लगा देता है और किसी क्लाइमेटी और नेचुरल डिजास्टर के कारण वो उसकी क्रॉप्स खराब हो जाती, तो जो किसान था वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस के रह जाएगा। अब उसको अपना एक टुकड़ा भी देना पड़ेगा जमीन का बैंक को, जिससे वो है और पुअर हो जाएगा। तो इससे एक डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो जाता है और वो फार्मर उस डेब्ट ट्रैप में फंस कर रह जाता है। तो ब्याज से दो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, चाहे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, चाहे आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओ। अब नेक्स्ट है फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। क्रेडिट देने के दो सेक्टर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इनफॉर्मल सेक्टर है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स एटसेट्रा। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो होता है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है। अब फॉर्मल सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, गवर्नमेंट उन पर सुपरवाइज नहीं कर पाती। तो क्या है, जो लोन लेता है इनफॉर्मल सेक्टर से उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस कर रह जाता है। तो ये था फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। जो लास्ट टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होता क्या है, बेसिकली इनका जो मेन मोटो होता है वो अपने मेंबर्स की लिविंग कंडीशन को हाई करना होता है। ये मेल्स एंड फीमेल्स का या फिर अलग अलग भी हो सकता है, ये अपने वॉलेंटरली इकट्ठे होकर एसोसिएशन क्रिएट करते हैं और इन एसोसिएशंस में लोन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो एक दूसरे को लोन देती हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 10 फीमेल का ग्रुप है और वो हर महीने 1,000 रुपये डिपॉजिट करती हैं, तो एक महीने में 10,000 की इनकम जनरेट होती है और इन 10,000 रुपये को वो एक मेंबर को लोन देते हैं और उस मेंबर को फिर इंटरेस्ट देना होता है और इस इंटरेस्ट के तौर पर वो अब एक दूसरे का प्रॉफिट जनरेट कर लेती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।